In this session the topic is advantages of state capacity in a global economy State capacity for domestic transformation goes parallel to competitiveness at global forum and state capability allow its institutions to encompass organizational complex for overcoming a number of recognized obstacles

Bhi aati hai, hurdles bhi aati hai, and sometimes when there is the issue of economic uh, transformation then definitely it becomes more complex problems of coordination can be more effectively resolved by state than the market by virtue of reducing transaction costs in the wider economy so both are developed

के जो डेवलप्ड वर्ल्ड है अगर वहाँ पर इकनॉमिकली रिफॉर्म्स लानी हैं चेंज लानी है तो वहाँ और पेश हो सकती है या उनको कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे वन एवर देयर इज़ अ चैलेंज टू टू मेंटेन और टू इंक्रीज द स्टेट कैपेसिटी, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द इकनॉमिक चैलेंजेस, देन हेयर कम्स अ पॉइंट दैट देयर आर मैनी ऑबस्टिकल्स वो ऑब्सटेकल दुनिया में बाहर से भी आ सकते हैं दुनिया की पेस और है आप अपने मुल्क के अंदर पेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं जैसे हमने देखा दुनिया के अंदर जब कोविड की सिचुएशन जो है वो हुई तो बड़े बड़े मुल्क जिनकी इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी इस क्राइसिस को फ़ेस करने के लिए उन्हें भी इकनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो फ़ेस करना पड़े क्योंकि जाहिर है क्राइसिस इतना बड़ा था पेंडेमिक का इस तरह का मसला पहले नहीं आया था और इस फियर क्राइसिस के अंदर बहुत सारी नॉर्म्स और वैल्यूज चेंज हुई किसी भी स्टेट के पास इतनी प्रिपेयर्ड कैपेसिटी नहीं थी कि वो सिंगल हैंडेडली इस क्राइसिस को इस तरह मेंटेन करती कि उसकी डिपेंडेंसी दूसरों पर ना होती सो दो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री फर्म्स फेस इवन ग्रेटर कम्पिटेटिव चैलेंजेस सिंस दे डोंट वांट टू कॉपी और बोरो टेक्नोलॉजी बट टू इनोवेट ऑन देयर ओन कैपेसिटी अब यहाँ अगेन हम अगर थोड़ा सा अपने माइंड को रिलेट करें जैसे तो कोविड के दिनों में स्टेट्स को बहुत सारे नई चीज़ों की नई टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ी अब वेंटिलेटर्स का मसला है मास्क का मसला था अब स्टेट कैसे ख़ुद को अलहदा रख सकती है कि वो सब कुछ एट ए टाइम जब उसके लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो कर रहे हैं लोग क्वारंटाइन भी हो रही हैं तो वो इन सब चीज़ों को इन मसाइल को सिंगल हैंडली तो नहीं कर सकती थी लेकिन कुछ स्टेट्स का ये ख्याल होता है कि उनकी अपनी कैपेसिटी उनकी अपनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होनी चाहिए कि इस किस्म का कोई भी इशू आए तो वो खुद सॉल्व कर लें लेकिन हमने दुनिया में देखा शुरू से अब तक उन स्टेट्स को फिर ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं जो सिंगल हैंडली अपने कैपेबिलिटी को इनहेंस करना चाहते हैं या अपनी स्टेट कैपेसिटी पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं सुबह प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सोशलाइज सोशलाइजिंग द रिस्क एंड इनक्रेजिंग कॉपरेशन दिन अपोजिशन टू टू बिल्ड एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी स्टेट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोंग है जैसे फिर हम मिसाल यही अप्लाई करेंगे कि कोविड के दिनों के अंदर चाइना ने जितनी स्पीड से पूरी दुनिया को सप्लाई की वो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो रिक्वायर्ड थे टू तो हैंडल द इशू ऑफ़ कोविड तो इस पेंडेमिक को फेस करने के लिए जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी दुनिया की चाइना पर हुई और उन्होंने अपनी कैपेसिटी को इस स्पीड के साथ मैचअप करने की कोशिश की इस क्राइसिस के साथ के दुनिया उनकी कैपेबिलिटी और उनकी कैपेसिटी को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेती है बट स्टिल वी कैन से दैट स्टेट कैपेसिटी इट इज अ डिबेटेबल इशू बिकॉज नो स्टेट सिंगल हैंडेडली कैन रिजॉल्व ऑल द चैलेंजस समटाइम्स द चैलेंजेस कैन बी मच ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट स्पेसिफिकली अंडर दिस ग्लोबलाइज वर्ल्ड